Welcome to StatisticsPedia. Now today's topic it is based upon relationship between AM, GM and HM. तो हमने जो है मैथमेटिकल एवरेजेस जो है वो प्रीवियस वीडियोस में रिवाइज कर रहे हैं. आज हम रिलेशन देखेंगे बिटवीन AM, GM एंड HM एज वेल एज हम मिसलेनियस क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं. मिसलेनियस मतलब एडिशनल क्वेश्चंस जो मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे आपके AM, GM एंड HM पर बेस्ड. स्टूडेंट, सबसे पहला जो रिलेशन होता है AM, GM, HM का वो क्या है? अगर आपके पास कोई भी दो नंबर्स है, मीन इट इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AM एंड HM. तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है ये देखते हैं. जैसे क्या क्वेश्चन आया, ज्योमेट्रिक मीन इट इज डैश ऑफ AM एंड HM. ठीक है, तो आपको क्या आंसर देना है? इट इज अ ज्योमेट्रिक मीन. अब इसका मतलब क्या है कि G इट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू H. दिस इज अ फॉर्मूला. अब ये कहाँ क्वेश्चंस में आप इंप्लीमेंट करेंगे? सपोज अगर क्वेश्चन में आपको हार्मोनिक मीन दे देते हैं, आपको ज्योमेट्रिक मीन दे देते हैं और आपको AM निकालना है, तो वहां हम इसमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं. या क्वेश्चन में आपको AM और HM गिवन है और आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो भी हम इस रिलेशन को यूज करते हैं. तो यहाँ पे देखिए आप डिफरेंट फॉर्म्स है रिलेशन के, कब हम इसको यूज कर सकते हैं. जैसे G स्क्वायर इक्वल्स टू AH हो गया, A इक्वल्स टू G स्क्वायर बाय H हो गया, H इक्वल्स टू G स्क्वायर बाय A हो गया. तो इसके अलावा आपको कहीं कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला. ये तीन फॉर्म्स आपको याद रखना है. पहला ही फॉर्म से आपको, फर्स्ट फॉर्म से आपके रेस्ट टू जो फॉर्म्स है वो इजिली डिराइव हो जाएंगे. नेक्स्ट रिलेशन जो है वो क्या है स्टूडेंट्स की, अब रिलेशन देखिए AM और GM में क्या रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज कि AM इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM, राइट, और GM इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू HM. तो जब आप इसको कंबाइन करेंगे दोनों रिजल्ट्स को, तो जो जनरल या जो जनरल इनइक्वालिटी आएगी, रिलेशन आएगा बिटवीन AM, GM एंड HM बी व्हाट? AM इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू HM. अब क्वेश्चंस का फॉर्मेट बहुत अलग तरह से आ सकता है स्टूडेंट्स, कि अगर आपकी सारी ऑब्जर्वेशन सेम है, इफ ऑल द वैल्यूज आर इक्वल, तो AM इज इक्वल टू GM इट इज इक्वल टू HM. और अगर आपकी वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है, सेम नहीं है, तो फिर क्या रिलेशन होल्ड करता है? AM इट इज ग्रेटर देन GM इट इज ग्रेटर देन HM. तो आप लेट्स मूव ऑन टू द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नाउ स्टूडेंट्स. हम रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एज वेल एज हम मिसलेनियस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ऑन AM, GM एंड HM. AM एंड HM फॉर द टू नंबर्स बी दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू फॉर GM? तो स्टूडेंट्स आई टोल्ड यू कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन जो है वो याद रखना है, और वो रिलेशन क्या होता है? G स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AH. या फिर इसको आपने ऐसे याद किया था कि G इट इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A इंटू H. तो आपको जैसे भी लर्न होता है तो ये रिलेशन याद रखेंगे. तो इससे क्या होगा कि अब आपको क्वेश्चन में एरिथमेटिक मीन दिया हुआ है 5, ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालना है, और हार्मोनिक मीन आपको दिया हुआ है 3.2. तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 16.0. तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अंडर रूट ऑफ 16. तो आंसर विल बी 4 फॉर दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे डेसिमल्स में दिया हुआ है, तो 4.00 विल बी द आंसर. इफ AM, GM फॉर द 10 ऑब्जर्वेशंस आर बोथ 20, मतलब कि एरिथमेटिक मीन जो है वो भी आपको 20 गिवन है और ज्योमेट्रिक मीन भी आपको 20 गिवन है, देन व्हाट इज द वैल्यू फॉर AM? तो स्टूडेंट्स अभी अभी हमने ये देखा था कि अगर आपकी सारी ऑब्जर्वेशंस सेम है, जैसे यहाँ पे AM भी 20 है, GM भी 20 है, तो क्या रिलेशन होल्ड करता है? इक्वालिटी का. तो HM का आंसर भी क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस. अब आपको कंफ्यूज करने के लिए लेस देन और मोर देन दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि आप सम ऑफ द स्टूडेंट्स वो क्या करेंगे, वो इस वाले इनइक्वालिटी को यूज कर लेंगे और फिर लेस देन और मोर देन में आंसर कर देंगे. तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आपके AM, GM सेम है तो HM की वैल्यू भी सेम होगी ड्यू टू दिस इनइक्वालिटी. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, for the two numbers whose geometric mean is 12 and arithmetic mean is 15, harmonic mean क्या होगा? तो फिर से अभी हमारा ये वाला relation जो है हम इसको use करेंगे. तो geometric mean 12 है, तो ध्यान रखिएगा आपको 12 का जो है वो square करना है. arithmetic mean 15 है and then we need to find the value for harmonic mean. तो ये हो जाएगा 144 divided by 15. तो यहाँ से आपका harmonic mean का आंसर आ जाएगा. तो सिंपली आपको जाएगा 9.6 आ जाएगा. तो हार्मोनिक मीन फॉर दिस विल बी 9.6 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट होल्ड फॉर द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस. अब बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ऑप्शंस में आपको इक्वल वाले भी ऑप्शन मिलेगा और जहां पे इक्वालिटी नहीं है वो भी ऑप्शन मिलेगा. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्टिंक्ट. तो मैंने आपको बताया है जब भी डिस्टिंक्ट मतलब जब अलग अलग होगा तो क्या रिलेशन होल्ड करता है. AM विल बी ग्रेटर देन GM विल बी ग्रेटर देन HM. ठीक है, The correct relationship between AM, GM and HM. अब सिर्फ क्वेश्चन को समझने के लिए कि कब कौन सा मार्क करना है, उसके लिए देखिए मैंने दोनों क्वेश्चंस डाल दिए हैं सो दैट आपको ये क्लियर हो जाएगा. डिस्टिंक्ट है तो यहाँ पे इक्वल साइन नहीं आएगा. क्वेश्चन में कहता है करेक्ट रिलेशनशिप, तो करेक्ट रिलेशनशिप में आप इक्वल साइन आएगा. तो देखो क्या रिलेशन होगा, AM विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू HM. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस. नाउ स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू आवर रिविजन सेक्शन. इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स देयर आर 70 बॉयज हुज एवरेज मार्क्स इन द सब्जेक्ट आर 75. If the average marks of the complete class is 72, what are the average marks of girls? तो students जब हम question read कर रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है कि total number of students 100 है, ठीक है, और boys and girls का है 70 boys हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 100 माइनस 70 कर देंगे तो 30 गर्ल्स हो गई. ठीक है, मीन दिया हुआ है बॉयज का और कंप्लीट क्लास मतलब कंबाइंड मीन आपको गिवन है और आपको किसका मीन निकालना है, गर्ल्स का. तो लेट्स राइट द इन्फॉर्मेशन फर्स्ट. 1 + N2 हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसमें से माइनस करोगे तो 30 गर्ल्स हो गई. कंबाइंड मीन ये दिया हुआ है x1 बार क्वेश्चन में गिवन है और आपको गर्ल्स का मीन निकालना है. तो स्टूडेंट्स अभी हमें कंबाइंड मीन का फॉर्मूला जो है वो याद है, दैट इज दिस सिंपली हमें सारी वैल्यूज पुट करनी है. दिस इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 72, इसको मैं इस साइड ले गई तो 100 को 72 से मल्टीप्लाई कर दिया. N1 x1 बार मतलब 70 × 75 प्लस 30 × x2 बार. ठीक है, तो नॉर्मल कैलकुलेशन है. अब हम फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे. सो यहाँ पे आपका जब ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट द वैल्यू फॉर x2 बार दैट इज इक्वल्स टू 65. तो गर्ल्स का जो मीन है वो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 65. नेक्स्ट देखिए, द मीन ऑफ द 100 आइटम्स इज 49. इट वाज डिस्कवर्ड दैट 3 आइटम्स विच शुड हैव बीन 60, 70 एंड 80 वर रॉन्गली रेड एज 40, 20 एंड 50 रेस्पेक्टिवली. देन द करेक्टेड मीन बी व्हाट. सो ये हमने प्रीवियस वीडियो में कवर नहीं किया था स्टूडेंट्स, तो आज हम देख लेते हैं करेक्टेड मीन को कैसे करना है. देखिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझाती हूँ. जैसे 100 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 100 है, उसका मीन आपको 49 गिवन है. तो अब ये देखा गया कि 3 जो ऑब्जर्वेशंस हैं, 3 ऑब्जर्वेशंस विच शुड हैव बीन मतलब ऑब्जर्वेशंस होनी क्या चाहिए थी, 60, 70 और 80 होनी चाहिए थी, वर रॉन्गली रेड एज. लेकिन हमने उन ऑब्जर्वेशंस को क्या लिख दिया, 40, 20 और 50 लिख दिया. तो बताओ करेक्टेड मीन क्या होगा. तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है ये आप समझ लीजिए. देखिए अभी हम सिंपल मीन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है. तो आपके क्वेश्चन में 49 गिवन था और ऑब्जर्वेशंस 100 गिवन है, तो आपके पास समेशन ऑफ x आ गया. तो ये जो समेशन ऑफ x है ना, ये इनकरेक्ट समेशन ऑफ x है. कितना है, 4900. अब आपको इसको करेक्ट बनाना है. तो करेक्ट कैसे बनाएंगे, इनकरेक्ट वैल्यू, देखो रॉन्ग वैल्यू को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और करेक्ट वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है. तो देखो रॉन्ग वैल्यू क्या है, 40, 20 और 50 मतलब वैल्यूज होनी क्या चाहिए थी कैलकुलेशन में, ये होनी चाहिए थी, लेकिन आपने उसको गलत रीड कर लिया. तो गलत वैल्यूज को हटाना है और नई वैल्यूज को ऐड करना है. तो रॉन्ग वैल्यूज को आपने सब्ट्रैक्ट किया. अब 3 है तो तीनों को ऐड कर दीजिए, 40, 20 एंड 50, तो ये तो रॉन्ग वैल्यूज हो गई। और करेक्ट वैल्यूज क्या है 60, 70, 80, उसको आप क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 60, 70 एंड 80। सिंपली हमने इसको ऐड किया, नॉर्मल कैलकुलेशन है। सो यहाँ पे ये करेक्टेड आ गया क्योंकि आपने रॉन्ग वैल्यूज हटा दी और न्यू वैल्यूज ले आए। तो न्यू मीन या करेक्टेड मीन क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है मीन का, समेशन एक्स डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस, तो सेम ही रहने वाली है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 50। ठीक है, तो करेक्टेड मीन में आपको ऐसे करना है। अब देखिए ये जो हमने करेक्टेड मीन का क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसको थोड़ा सा मैंने ऑब्जर्वेशंस में दे दिया, अभी यहाँ पे वैल्यूज ना लिख करके, एंड इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप इसको समझिए, द एवरेज ऑफ एन नंबर्स, टोटल नंबर्स कितने हैं एन है, और उसका मीन क्या गिवन है आपको एम गिवन है। इफ एक्सन इज रिप्लेस्ड बाय एक्स डैश, मतलब एक्सन की जगह रिप्लेस मतलब उसकी जगह क्या आना चाहिए एक्स डैश आना चाहिए। तो रॉन्ग वैल्यू कौन सी हुई, एक्सन इज अ रॉन्ग वैल्यू, तो रॉन्ग वैल्यू को माइनस करना है और आना क्या चाहिए दिस इज अ करेक्ट वैल्यू, एक्स डैश आना चाहिए। तो अब ये तो समझ में आ गया आपको कि इसको माइनस करना है और इसको ऐड करना है, तो न्यू मीन निकालना है। चलिए तो कैसे करना है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा हमें मीन का फॉर्म, तो आपने यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लगा दिया, क्वेश्चन में मीन एम है और ऑब्जर्वेशंस ये है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। नाउ दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड द करेक्ट समेशन एक्स। तो कैसे करोगे, जो इनकरेक्ट है ये इनकरेक्ट समेशन है, उसमें से रॉन्ग वैल्यू को माइनस करना है। रॉन्ग वैल्यू क्वेश्चन में क्या है एक्सएन है, उसको आपको माइनस करना है, और करेक्ट वैल्यू क्या है एक्स डैश है, उसको आपको ऐड करना है। अब मीन का फॉर्मूला फिर से करेंगे तो वो क्या होता है समेशन एक्स, तो वो ये वैल्यू हो गई दैट इज एन एम माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस। तो यहाँ पे देखते हैं दैट इज इक्वल्स टू दिस, सो आंसर विल बी दिस। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो आपको The average income of a person on working for the first 5 days of week is rupees 35 per day. 5 दिन जब किसी पर्सन ने काम किया तो उसकी जो ऑन एन एवरेज जो इनकम है वो रुपीज 35 है। एंड इफ ही वर्क्स फॉर द फर्स्ट 6 days तो एवरेज इनकम पर डे कितना होगा 40 होगा। द इनकम फॉर द 6th day बी वॉट। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, और मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। चलिए अभी हम इसको प्लॉट करेंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, और आप इसकी लैंग्वेज समझ जाइए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि जो एवरेज इनकम है ऑफ अ पर्सन ऑन वर्किंग फॉर द, पहले अगर 5 दिन पर्सन काम करता है तो ये पहले 5 दिन हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये फर्स्ट 5 days हो गया। और एवरेज क्या है हर दिन वो कितना ऑन एन एवरेज अर्न कर रहा है 35, तो कितने डेज जो है वो पर्सन ने वर्क किया 5 days। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 35 इंटू 5 करेंगे, है ना, तो ये समेशन ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 175 हो गया। इफ ही वर्क्स फॉर द फर्स्ट 6 days, अब अगर यहाँ पे इसमें गिवन है कि वो पहले 6 दिन अगर कोई पर्सन काम कर रहा है तो ऑन एन एवरेज हर दिन उसको कितना अर्न कर रहा है वो 40 रुपीज, तो 6 days का कितना हो जाएगा 6 days का कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहे हैं देन द इनकम फॉर द 6th day, तो ये बताओ कि 6th day कितना अर्न किया है पर्सन ने। तो नाउ अब आपको बहुत अच्छे से इस डायग्राम से समझ में आ गया होगा कि अगर इस पूरे में से हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 6th day की इनकम आ जाएगी। ठीक है ना, तो क्या करोगे अगर 6th day की इनकम चाहिए तो 240 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 175 स्टूडेंट्स, एंड हियर वी विल गेट द आंसर एज 65। मैंने आपको कोई कैलकुलेशन नहीं बताया, सीधे लाइन पे ड्रॉ करके बताए। तो ऐसे जब भी क्वेश्चंस आएंगे बस ध्यान ये रखना है लैंग्वेज का, 1 दिन का दिया हुआ है, काम 5 day किया है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 65 इज द आंसर, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस। देखिए द मीन ऑफ द 8 नंबर्स इज 15, 8 नंबर्स का मीन आपको 15 दिया हुआ है। after a new number 24 is added, then the mean of 9 numbers. भी ऐसे questions आपको बहुत मिलेंगे. अभी हम इसको solve कर लेते हैं. देखिए question क्या है. Question है 8 numbers का mean कितना हो जाएगा. Let me write it in this form. यहाँ पे 8 numbers का mean की definition लगाइए. ठीक है, तो आपके पास 8 numbers का sum आ गया. That is equals to 15 into 8. तो वो होता है आपका 120. Question कहता है कि एक नया नंबर ऐड कर दिया, मतलब 8 ऑब्जर्वेशंस में एक 9th ऑब्जर्वेशन आ गई, तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये हो जाएगा. ठीक है, और वो नया नंबर क्या है, 24. तो अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपको पता है 120. न्यू ऑब्जर्वेशन आपने 24 ऐड किया है. सिंपल आप इसमें 144 डिवाइड बाय 9 करिए एंड जस्ट कैलकुलेट द, एंड दिस कम्स आउट टू बी 16. The answer for this question will be this. Next देखिए, if y equals to this, x बार आपको 30 दिया हुआ है, then the value for y बार भी what? तो इस क्वेश्चन को देखते ही स्टूडेंट्स चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल को याद करना है कि मीन जो होता है इट इज अफेक्टेड बाय बोथ. यहाँ पे स्केल क्या है 5 और -20 क्या है ओरिजिन. तो इसको क्या याद आ रहा है आपको, क्या बताया था मैंने कि दोनों से इफेक्ट होता है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, ऐसा बन जाता है. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या है, y इक्वल्स टू 5x माइनस 20. तो वी नो कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं. एंड व्हाट इज x बार, x बार इट इज गिवन टू यू एज 30. सो सिंपली आपको कैलकुलेट करना है एंड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 130. सो दिस इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस. तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 वैल्यूज है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, 3 वैल्यूज है, तो हमें क्या लेना है, वी नीड टू टेक द क्यूब रूट ऑफ 8, 64 एंड 512. ये आपका नंबर है, तो जब आप क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट लेना हमें आता है, एक्सप्रेस इट 8 स्क्वायर और ये होता है आपका 8 क्यूब. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 64. So answer for this question will be this. Next देखिए, if the values are same, then the relation between AM, GM and HM. तो अभी देखो inequalities का कोई रोल नहीं है, क्योंकि अगर values same होती है तो AM, GM, HM की values भी equal होती हैं. So answer will be B. Dash it is used in averaging rates, ratios and percentage. तो जब भी rates का question आता है, ratios का question आता है, तो सबसे best measure क्या होता है, geometric mean. So answer for this question will be GM. HM it is defined when no observation is. तो HM हम कब डिफाइन कर सकते हैं, तो ये हमने डीमेरिट्स में किया था स्टूडेंट्स की, HM cannot be calculated अगर कोई भी वैल्यू 0 है. तो अगर कोई भी वैल्यू 0 है तो HM को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो आप इसको डिफाइन कब कर सकते हैं, जब कोई भी ऑब्जर्वेशन कैसी ना हो, 0 ना हो. हार्मोनिक मीन ऑफ 4, 8, 16. यस, हाँ मैं आपको क्वेश्चन चलिए, सो हार्मोनिक मीन ऑफ 4, 8, 16. तो लेट्स रिकॉल कि हार्मोनिक मीन क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द एरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज. ठीक है, तो अभी हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं, और इनका भी आपको रेसिप्रोकल फॉर्म लिखना है, मतलब ऐसे लिखना है. थोड़ा सा ठीक है, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 6.85. नेक्स्ट देखिए, द हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बी वॉट. तो यहाँ मैंने देखिए फ्रीक्वेंसीज में डिस्क्रीट सीरीज आ गई और अब आपको कैलकुलेट करना है. तो हमने डिस्क्रीट सीरीज का भी हार्मोनिक मीन क्या देखा था, समेशन ऑफ f, मतलब कि n डिवाइडेड बाय f. क्वेश्चन तो वही रहता है, ऑब्जर्वेशन, रेसिप्रोकल, फ्रीक्वेंसीज आ जाती है बस. ठीक है, तो यहाँ पे समेशन ऑफ f किसके इक्वल है, n के. तो यहाँ पे इन सब फ्रीक्वेंसीज का सम करिए, तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा. तो ये हो गया आपका 10 डिवाइडेड बाय, अब फ्रीक्वेंसीज अपॉन दिस करिए, आपके पास 1 + 3/4 + 3/8 + 2/16. ठीक है, तो हम इसको 1/8 लिख देते हैं कैंसिल करके. and let's take the LCM. Formula for calculating mean of a discrete series by the direct method. तो अभी हमें पता है mean shortcut method से और direct method दोनों से आप calculate कर सकते हैं. तो direct method तो क्या होता है, let's revise students. Direct method होता है ये और shortcut method होता है a plus summation f d upon summation. This is shortcut method. What is d? x minus a. What is a? A is an assumed mean. So यहाँ पे आपसे डायरेक्ट मीन का क्वेश्चन पूछ लिया. So it is, तो फॉर्मुलेज हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. आई होप आप अपनी फॉर्मुले लिस्ट जो है वो प्रिपेयर कर रहे होंगे. सिंपल एवरेज इज समटाइम्स कॉल्ड. तो अब आपको पता है कि आपके पास एक तो सिंपल मीन होता है और एक वेटेड मीन होता है. तो वेटेड मीन, सिंपल मीन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशन है सबको इक्वल वेटेज दिया जाता है, मतलब सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है. और वेटेड मीन में क्या होता है, जहां पे आप इम्पोर्टेंस देते हो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन, जहां पे इक्वल वेटेज नहीं दिया जाता, दैट इज वेटेड मीन. सिंपल मीन में क्योंकि आप सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहे हैं सारी ऑब्जर्वेशन को, तो इसको हम कई बार क्या बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज एन अनवेटेड एवरेज. नेक्स्ट देखिए, इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8.1, समेशन ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है, समेशन ऑफ एफ दिया हुआ है और आपसे पूछ रहे हैं कि के की वैल्यू. तो क्वेश्चन देखकर क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमें इसी फॉर्मूला को यूज करना है. एक्स बार जो है वो आपको 8.1 गिवन है, समेशन ऑफ एफ एक्स आपको ये गिवन है और समेशन ऑफ एफ आपको 20 गिवन है. नॉर्मल कैलकुलेशन है, 8.1 into 20, that is 132 plus 5k. ठीक है, so answer for this question 6. So k की value आ गई 6. Next देखिए, frequencies are generally used as. तो frequencies मतलब क्या होता है, मैं आपको स्टूडेंट्स एक बार वेटेड मीन बताना चाहती हूँ. जैसे वेटेड मीन में क्या होता है, एक्स और वेट्स होते हैं, मतलब हर ऑब्जर्वेशन का यहाँ पे आपको वेट्स गिवन है, लेट्स से 2 है, 5 है, 7 है. तो वेटेड मीन का फॉर्मूला ऐसे होता है ना. तो वंस यू विल कंपेयर दिस एंड दिस, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि वेट्स कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसीज होते हैं वेट्स. बस इसमें ये होता है, इन वेट्स को हमने एक नाम दे दिया, दैट इज फ्रीक्वेंसीज. क्वेश्चन में देखो क्या है, frequencies are generally used as. तो frequencies क्या होती हैं? Frequencies are nothing. These are the weights. ठीक है, इसके लिए वीडियो बहुत यूजफुल रहा होगा. In the next lecture, students, we will discuss about positional averages, जहाँ पे हम median and mode दोनों कवर करेंगे. So thank you students for watching this video.